दोस्तों, डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉम्बे कराची हलवा। तो देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 1/2 कप। आप चाहें तो फुल कप ले लें। हम इसे इसमें पलट देते हैं। और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। बहुत इजी है बनाना, आप ज़रूर एक बार बनाएं। घोल हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑन करते हैं। मैंने लोहे की कढ़ाई ले लिया है। मैंने इसे धो के थोड़ा सा गर्म कर लिया है ताकि इस पे आयरन आने ना पाए। और इसमें डालने के लिए इसी कढ़ाई में मैंने ये कुछ 1/2 चम्मच होगा खरबूजे का बीज है, और ये पम्पकिन सीड है, और ये है काजू जो मैंने सिर्फ इस तरह से काट लिया है आधा आधा। ये हम इसमें यूज़ करेंगे। कढ़ाई मैंने रख लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। 1/2 कप चीनी लिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे चलाते हुए पकाएंगे। चीनी को उबलने देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है दोस्तों मिठाई, इसीलिए मैं कम बना रही हूँ। आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप इस कप से पूरा फुल 1 कप ले लीजिएगा। घर में मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं बच्चे, और मैं तो खाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैं कम ही क्वांटिटी मैंने कम रखा है। आप क्वांटिटी बढ़ा लें ज़्यादा बनाना है तो। चीनी की चाशनी नहीं बनानी है हमें, सिर्फ इसे उबालना है। फ्लेम को मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ ताकि उबलने लग जाए। चाशनी हमारी उबलने लग गई है, और हमें इसे तार वाली नहीं बनाना है। बस एकदम सही है, तार नहीं बनाना है, इसीलिए ये बिल्कुल सही है। इसे हम एक बार और चला लेते हैं अच्छे से। अच्छे से चलाकर मिला लेंगे इसे हम। ये देखिए पूरा घुल गया है।
फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे इस समय। अब हम इसमें इस तरह से डालते हुए चलाते हुए पकाएंगे। अभी ये पतला दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। कंटिन्यू चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो इसमें गुठली आ जाएगी। कपड़े से पकड़ लेती हूँ कढ़ाई को। ये देखिए, ये जमना शुरू हो गया है, हलवा बनना शुरू हो गया है। आप रुकेंगे नहीं, इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ फूड कलर, जो ऑरेंज कलर का है। बहुत ही थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे, ये इतना बस। आप कोई भी कलर यूज़ कर लीजिए। एक चम्मच घी और डालेंगे हम। अच्छे से चलाते हुए पकाना है। एक चम्मच घी और डाल लेंगे। देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि कम है तो हम इसमें और डाल लेंगे। इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी ये खरबूजे के बीज और ये पम्पकिन सीड। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। काजू, बादाम, पिस्ता, जो आपके पास हो आप डाल दीजिए। इस तरह से इसे बढ़िया से चलाइए। फ्लेम को मैं थोड़ा बढ़ाती हूँ, बढ़ा दूंगी ताकि अच्छे से पक जाए। देखिए, अब ये जेली में ट्रांसफ़र होने लगा है। इसी समय मैं ये हाफ स्पून डाल दूंगी। नींबू का रस है ये, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे हम। ये देखिए, धीरे धीरे अब ये अपना टेक्सचर चेंज कर रहा है। ये देखिए, जेली बनने लग गया है। जेली तो बन ही गया है और अच्छे से पक रहा है। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसी तरह से चलाते हुए आपको पकाना है इसे। में जो लग गया है ना, इसे भी निकाल देते हैं।
ये अभी और गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। आप किसी ऐसे किसी कंटेनर में या कोई ट्रे हो आपके पास तो आप पहले से उसमें घी लगाकर तैयार कर लें, क्योंकि इसे तुरंत पलटकर जमाना रहता है, नहीं तो ये तुरंत कढ़ाई में ही जम जाएगा। अब मैं गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। इसे थोड़ा इसी तरह चलाते हुए इसकी भाप निकाल लेंगे। इस चम्मच से मैं इसे निकाल लेती हूँ, पूरा चिपक रहा है अभी, और इसे हम तुरंत से पलट लेंगे। ये देखिए जेली की तरह बिल्कुल गिर रहा है ना। इसी चम्मच से मैं निकाल लूंगा। ये देखिए जमना शुरू भी हो गया। ये तो इसे फटाफट से हमें करना रहता है। अब हम इसे सेट होने देते हैं। अच्छे से छोड़ देंगे इसे, रूम टेम्परेचर पे ही आप रखें, ये सेट हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छे से सेट हो चुका है हमारा कराची हलवा। देखिए बिल्कुल हाथ में बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब मैं आपको इसको निकल भी गया है, अब मैं आपको निकाल के और काट के दिखाती हूँ। ये देखिए इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया बना है, देखिए कितना स्पंजी बना है। मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। दोस्तों हमारा कराची हलवा बनकर तैयार है और बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बना है। मैंने काजू लगाकर गार्निश भी कर दिया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना है और स्पंजी भी। ये देखिए कितना स्पंजी है। आप एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।